जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत सुबह, ये खूबसूरत सुबह इस वक्त मॉर्निंग शो की ऐसे ही लग रही है, लेकिन जब किसी के घर में होता है ये त्यौहार यानी शादी का दिन, तो उस वक्त की सुबह जो है ना बहुत पैनिक वाली होती है, बड़ी घबराहट हो रही होती है, घर में एक क्योस मचा होता है, भाग दौड़, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान वाले दुनिया के इर्द गिर्द से आपके घर ठहरने आए हुए होते हैं, साथ साथ किचन नाश्ता कपड़ों का दर्जी से उठाना फलाना ढमाका जेवर लॉकर से लेना और पता नहीं ना जाने क्या क्या सारे काम जो हैं वो आपके सर पर होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर अकेली औरत कर रही होती है या अकेले अब्बा या अम्मा में से दोनों कोई कर रहा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सारे पैनिक्स को एक साथ समेटना। और सबसे ज़्यादा पैनिक जबकि लड़की जिसकी शादी होती है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, मगर फिर भी वो बहुत पैनिक हुई भी होती है, वो रेस्टलेस हुई भी होती है, उसको नहीं समझ आ रहा होता कि ये फीलिंग्स क्या हैं। और इस चीज़ से हर कोई गुजरता है, या तो वो ज़्यादा हंसती है या वो रोती है, बात बात पे छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो भाई ऐसे ही हुआ और मैंने बहुत सारा और लोगों के साथ देखा, अपनी बहनों को भी देखा, हमारे साथ तो ऐसे ही होता था। निकाह होता था जब घर में और शादी का दिन रुखसती का दिन होता था तो एक बेचैनी सी दिल में होती थी। आई गेस सारी लड़कियाँ यही फील करती होंगी जिन जिनकी शादी हो गई है, उन्होंने जो फील किया है कि इस दिन मैंने ऐसा लगना है ऐसा लगना है। तो एक तो नींद नहीं पूरी होती ना यार, मेहंदी की रात के बाद जब आप सोने के लिए लेटते हैं एक बेचैनी रह जाती है, डर लगता है पता नहीं आने वाले घर पे जाएंगे तो क्या होगा, वो नींद नहीं पूरी होती, इंसान वैसे ही आधा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद उस दिन रुखसती होनी है, जहाँ आप पले बड़े हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ आपके नाज नखरे उठाए गए, उस घर को छोड़ के जाना है। तो एक ज़माना तो ये था कि लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता था कि भाई क्या करना है क्या नहीं है, वो सपोर्ट उनकी बहनें और उनकी अम्मी ही कर रही होती थी। लेकिन आजकल की लड़की थोड़ी स्मार्ट हो गई है, उसने पहले से अपनी तैयारी देख के रखी होती है, फ़ोटोशूट मुझे कैसे करवाना है ठाक 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 स्क्रीन शॉट्स लेके रखे होते हैं, मेकअप मुझे किससे करवाना है ठाक 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 ये भी सारी रिसर्च करके रखी होती है, अलग अलग सैलून्स पे जाके वो बाकायदा लाइव ब्राइड्स को देखती है और उसके बाद फैसला करती है कि भीड़ों पर क्या जचेगा। आजकल लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वरना मेकअप करा के घर जाती थी खाला पुपी शुरू हो जाती थी, यार डार्क कर दिया तुम्हें, नहीं नहीं यार लाइनर सही नहीं लगाया, तो वो अपने आप को पेश कर देती थी दुल्हन, हाँ जी आप सही कर दें जी। लेकिन आज की लड़की बड़ी स्मार्ट है और मुझे खुशी है इस बात पे कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चियां स्मार्ट होती जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं, खाना पकाना नहीं आता यूट्यूब, आज तक अभी तक मुझे कोई नई रेसिपी चाहिए होती हैं तो मुझे कौन सी याद होंगी पुरानी वाली बातें, मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करती हूँ और झटपट रेसिपीज़ बना लेती हूँ। तो वो जो अम्मा कहती थी ना शादी से पहले रंगून वाला हॉल जाओ, मेमन फाउंडेशन जा के खाना पकाना सीखो, अरे वो सोशल मीडिया ने आपके इंटरनेट ने बड़ा आसान कर दिया है, इसलिए वो टेंशन तो चली गई। अब शादी के दिन और क्या टेंशन होती है, सबसे बड़ी टेंशन तो मैंने आपको हल बता दिया ना, एक तो होती है टेंशन कि खाना पकाना है, घर संभालना है, जिम्मेदारी उठानी है, हर चीज़ का हल पहले तो आपकी अम्मी होती थी ना और उनको फ़ोन करना होता था। लेकिन अब अम्मी से भी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा समझदार अम्मी आ गई हैं, वो हैं गूगल अम्मी, और गूगल अम्मी आपको सब बता देती हैं, बेटे के आपके बच्चे के पेट में दर्द क्यों है, हाँ आपके बच्चे की तबीयत क्यों ख़राब है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा, आपने कितनी लौंगे डालनी है, कितने काली मिर्चें डालनी है कोरमे में, ये सब आपको गूगल मम्मा बता देती हैं। तो इसलिए शादी का दिन इन्जॉय करें, और यकीन जाने जब आप इन्जॉय करके फ़ोटो सेशन कराते हैं ना वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहती है। देखिए सारे एलिमेंट्स शादी पर बड़े याद रहते हैं, खासतौर पे जब लड़की वाले होते हैं ना वो बड़ी भाग दौड़ करके अपना अच्छा अरेंजमेंट कराते हैं, खाना वाना बहुत अच्छी जगह से कराते हैं क्योंकि यादगार, क्योंकि उनका आखिरी इवेंट भी होता है ना, फिर तो वलीमा होता है, तो उनका जो आखिरी इवेंट है शादी, जो मेन ग्रैंड इवेंट है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं हर माँ बाप अपनी बेटी का ये इवेंट। और बेटी का दिमाग जो है ना वो अपने कपड़े ज्वेलरी फोटो सेशंस पे लगा होता है, वो वाली पोजिंग
जो आप फोटोग्राफर पे छोड़ देते हैं, अब नहीं लड़कियां छोड़ती, अब उन्होंने पहले से तय किया होता है, अपने मंगेतर से पहले ही डिसाइड किया होता है कि हमें फोटो सेशन में कौन कौन से पोजेस करने हैं। आजकल बड़े नेचुरल पोजेस आ गए हैं, आउटडोर फोटोशूट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, और उसी तरह मेकअप में भी टेक्निक्स चेंज होती हैं। भले ही हम बहुत साल से कॉम्पिटिशन वाला शो करें, लेकिन अगर आप देखेंगे वक्तन फवक्तन इसके प्रोसीजर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, मेकअप की टेक्निक्स भी चेंज होती जा रही हैं, और इसीलिए हम हर कुछ दिनों बाद आपसे ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं कि एक तो आपको जज बनने का मौका मिले, है अहमियत दी तो हमने दी आपको, और साथ साथ कुछ सीखने का मौका मिले। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, और ये जो हमने कॉम्पिटिशन शुरू किया है, हमने बड़ी कोशिश की है बहन भाई को लड़वाने की, लेकिन ये लड़ नहीं रहे हैं। आइए देखते हैं आज इनको कितना मैं लड़वा पाती हूँ। आज तो मैं पपे कुटनी बनने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, में वेलकम करते हैं अनम वर्सेस काशिफ। तो वो जैसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कभी भी हमने कितने सारे मायूं के शोज किए, कभी पीली नहीं पहनी, नहीं पहनी है मस्टर्ड, थोड़े से लाइट सा कलर था ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता बड़ा ऑड सा लगता है। कितने हमने शोज किए ऐसे ना, आज वो अच्छी लग रही थी, उसकी पिक्चर्स मैंने देखी कल। आजकल लड़कों के लिए भी बहुत अच्छे कलर पैलेट्स आ गए हैं, बिल्कुल, जो वो लाइक पिंक कलर भी है अगर, तो मर्दाना पिंक भी एक अलग आ चुका है, उस पर थोड़ी जैसे इस कलर में थोड़ी सी हार्डनेस है, ये मेल के लिए बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। और आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, लाल हसीना। आज जो है ना, जब खास तौर पे इंसान को मूड अच्छा करना है स्पेशली, तो लाल लिपस्टिक लगा लेना, अंदर से कुछ होता है शक्ल देखकर, एक ब्राइटनेस आ जाती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, खिल जाता है। और सुबह अगर मैं ब्राइट नहीं होंगी तो ये जो वाइब्स हैं डलनेस की वाइब्स, अगर मैं आपको पहुंचा दूंगी तो आप तो वैसे ही डल होती हैं, जूड़ा बांध लेती हैं उठ के, पता नहीं ब्रश भी नहीं करती हैं, पूरी रात को करती होंगी जब मियां आने वाले होते होंगे, तो वो खवातीन बहुत बिजी होती हैं आज, बिल्कुल। और जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनके ऊपर बर्डन और है, और स्कूल्स में आप देखिए ना, पूरा 100% समझे तो माएं ही करा रही हैं या ट्यूशन टीचर्स करा रही होंगी, पर स्कूल्स में तो अभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी नेट के सिग्नल्स नहीं आ रहे, कभी बच्चे को नहीं टाइम दे पा रही टीचर, मतलब बहुत मसले हैं ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भूल गई, चलो तुम लोग याद दिलाओ, कल जो हमारे उससे शो से एलिमिनेट हुई है वो अनम की थी काशिफ की, कल मैंने बोला था मेरी नहीं जाएंगी कल आपकी वाली, उन्होंने अच्छा काम किया, आज भी करेंगी इंशाल्लाह, है ना। मैंने गाइड किया था, दरअसल बात ये है, दरअसल विनर मेरी टीम में से ही है ना, मुझे पता है ये बात, आप कंटेस्टेंट से पूछ लीजिएगा, उनको प्रॉपर मैंने गाइड किया, इवन की स्टाइलिंग जो है ना सही, अगर आज कुछ खराब हुआ तो जिम्मेदारी काशिफ है, ये मैं तो चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे, 6 कंटेस्टेंट्स आज हमारे पास मौजूद हैं, 3 है काशिफ की टीम मेंबर्स और 3 है अनम की टीम मेंबर्स। आज कौन एलिमिनेट होगा ये जानने के लिए आपने देखना होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ब्राइडल स्पेशल होगा, ब्राइड स्पेशल, और आज का सरप्राइज ये है कि काशिफ से आज हम मेकअप सीखेंगे, मेकअप डेमो हमने काशिफ से लेना है, आई मेकअप, खूबसूरत आई मेकअप ब्राइड का कैसे होना चाहिए आज बहुत। वैसे तो मास्टर क्लास इनकी 1 अक्टूबर को है, आज भी होगी मास्टर क्लास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम अपना प्रॉपर शुरू करूं, हमारी कंटेस्टेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, बताना चाहती हूँ कि कल जो आज मतलब लाइक 6 में से रह जाएंगी 5 कंटेस्टेंट्स, उनमें से कोई एक होगा ग्रैंड फिनाले का विनर, उसको मिलेंगे ब्यूटी चार्म की तरफ से ₹1,00,000 कैश प्राइज, और रनर अप को यानी जो सेकंड आएंगे उनको 50,000 का कैश प्राइज ब्यूटी चार्म की तरफ से। ब्यूटी चार्म आपकी स्किन और आपके हेयर के तमाम मसलों का हल करता है, तमाम मसलों को हल करता है। इसके तकरीबन 30+ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड फेशियल इंट्रोड्यूस कराने में ये सबसे पहली कंपनी थी। फेशियल किट इनकी आप 15 बार यूज़ कर सकते हैं। इनके तमाम प्रोडक्ट्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनकी वेबसाइट के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। ये सारे स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहे हैं तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए जी चलते हैं मुकाबले की तरफ। हमारे पास जो काशिफ की टीम में रह गए हैं कंटेस्टेंट, उनमें है जी कुरतुलैन,
सवेरा और आमना, और अनम की टीम में जो कंटेस्टेंट रह गए हैं वो है निदा, अनम एंड इरम। तो ये जो छह के छह हैं, इनमें से विनर तो कोई एक होगा और सेकंड कोई एक आएगा, मगर आज यहाँ पांच रह जाएंगे आज के शो के बाद। आज का टास्क बहुत मजे का है काशवाना, बहुत मजे का है। कल आप लोग अपनी ब्राइड्स बना के लाए थे और उसको कोशिश की इन्होंने कॉपी करने की, कोई थोड़ा कामयाब हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कॉपी कॉपी करने के चक्कर में बिल्कुल ही लाइक बुरा मेकअप कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए कि कंपटीशन के लिहाज से वो टास्क थोड़ा सा मतलब टफ भी था, क्योंकि देखिए स्टाइलिंग जो थी वो हैवी थी, कलर्स जो थे वो बहुत ज्यादा डार्क कलर्स थे जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज कंपटीशन में करना तो वो और ज्यादा मुश्किल है। आज जो हम टास्क दे रहे हैं वो मशहूर सेलिब्रिटीज जब दुल्हन बनती हैं, बहुत सारे आम लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, किसी को किसी का मेकअप पसंद आता है, किसी को किसी का मेकअप पसंद आता है, और वैसे भी आप दिल से किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो आपको उसकी हर अच्छी बुरी चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं आज यहाँ तीन सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनके मेकअप को आपको फॉलो करने का मौका दूंगी, मगर आज की इस टास्क में ट्विस्ट जो है वो ये है कि वो सेलिब्रिटीज आपकी आंखों के सामने नहीं रहेंगी, वो आती जाती रहेंगी। हमारा जो स्क्रीन है उस पर उन तीनों सेलिब्रिटीज़ का स्क्रोल चलता रहेगा, जो कुछ सेकंड्स तक रुकेगा, फिर चला जाएगा, फिर दूसरे का आ जाएगा, फिर तीसरे का आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ ये मुश्किल होगी कि वो तस्वीर आपके सामने नहीं होगी, आपके दिमाग में जो भी आपके नसीब में सेलिब्रिटी आती है आपके दिमाग में उसका मेकअप अजबर कर लेना है। और आज तो काशिफ और अनम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं तो वो आपको हेल्प कर देंगे। शुरू करते हैं वो जो सेलिब्रिटी टास्क आपको मिलने वाला है मेकअप का, उनके नाम हमारे पास तीन सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें से देखते हैं आपके, अभी रुक जाओ बाद में, अभी रुक जाएं, मैं पहले जब पर्चियाँ ज़रा सबको दे दूं, उसके बाद फिर मैं ये रिवील करूँगी कि कौन सी तीन सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आज जिनमें से किसी एक को इन्होंने कॉपी करना है। सबके पास अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के नाम आए हैं, ठीक है, ओके, ये वाली बात तो हो गई पूरी। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास वो कौन से तीन सेलिब्रिटीज हैं जिनमें से कोई एक आपके पास आई होंगी। आइए जी मेरी टीम, प्लीज स्क्रॉल दिखाइए ऑन स्क्रीन। एमन खान, इकरा अजीज और सारा खान, ये तीनों सेलिब्रिटीज सबकी फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं और इनके ब्राइडल लुक को सबने बहुत सराहा था। अब जिसके पास जो लुक आई है उसको वही करनी है और ये मुस्तकिल स्क्रॉल इसी तरह चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा टाइम और आपकी मेमोरी जो है वो घुमाएगी। बहुत ही इजी आसान मेकअप है ये, तो कर सकते हैं ना, आई एम श्योर ये कर लेंगे। देखते हैं, कल इतना हैवी टास्क इन लोगों ने कर लिया लेकिन आज तो बहुत ही आसान इन लोगों के। अच्छा, हेयर स्टाइल भी ऐसी बनेंगे? बिल्कुल सेम 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 सेम। ओके जी, कुरुदला इनके पास क्या आई है, पढ़ो। ओके, माइक किधर है? माइक 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 दे दे उठा के। कुरुतलैन के पास आई है एमन खान। कुरुतलैन आप अपनी मॉडल के गले में एमन खान का पट्टा डाल देंगे क्योंकि ताकि हमें पता चले कि आप किसका मेकअप करें। सवेरा के पास क्या आई है? सारा खान। सवेरा के पास आई है सारा खान, ओके। आमना के पास कौन सारा खान? आपके पास भी सारा खान आई। चीटिंग करोगे एक दूसरे की है, ओके। हाँ भाई निदा, तुम्हारे पास क्या आई है? ये लो एमन खान। अच्छा, निदा के पास एमन खान जी। अनम तुम्हारे पास कौन है? माइक माइक माइक। इकरा अजीज। आपके पास भी इकरा अजीज और आपके पास भी इकरा अजीज, तो ये क्या है? ये इकरा अजीज है दोनों। आप लोगों ने ये अपनी अपनी मॉडल्स के गले में डाल देना ताकि मुझे याद रहे कि आपके पास सारा खान जो है। सारा खान किसके पास आई है? आप दोनों के पास आई है, ओके। एमन खान आपके और आपके पास आई है और इकरा अजीज आप दोनों के पास। चलें जी मॉडल के देखते हैं आपके नसीब में आज कौन सी मॉडल आती है। आइए जी शुरू करें मॉडल्स को बुलाना। निदा
के पास कौन सी मॉडल आ रही है? समन। समन आ जाए निधा के पास, माइक आगे बढ़ाइए, माइक आगे बढ़ाइए प्लीज, माइक लीजिए। अनम जी, अनम बीनिश आई है, महविश महविश आई है अनम के पास। इरम के पास रिदा आई है, माइक दे दे। के पास रिदा आई है। कुरुतुलैन मोना। कुरुतुलैन के पास मोना आई है। तुम्हारे पास कौन आई है? सवेरा। फातिमा। फातिमा सवेरा के पास आई है। हमारे पास राबिया। आमना के पास राबिया आई है। वही 25 मिनट्स का टास्क हम आपको दे रहे हैं। इसी तरह आपके जो मेकअप, जो जो आपने मेकअप करने हैं, आप अपने मॉडल्स के गले में वो नाम डाल दें और इस तरह ये स्क्रॉल चलता रहेगा, आप देखते रहिएगा। काशिफ ज़रा प्लीज़ तबसरा कर सकते हैं, ईमन जो है उसका कैसा मेकअप हुआ हुआ है? अच्छा, मैं वैसे जो है अनम की जो कंटेस्टेंट है उनको काफ़ी गाइड कर चुका हूँ। ओहो अच्छा, तो अच्छा होगा तो मेरी वजह से होगा। नहीं लेकिन शुरू एमन एक के पास आई। नहीं नहीं, मैंने इकरा अजीज का बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, दो इकरा अजीज है ना यहाँ पर। हाँ, तो चलिए मुझे सही काशिप में कुछ एमन का एमन का मेकअप जो है किस टाइप का? ये जो है अक्सर जिसे आपने देखा होगा, मैं अक्सर अपने मेकअप में जो गोल्ड यूज कर रहा हूँ, और मोस्टली ब्राइट जो है ये जो डल गोल्ड है, जो ट्रेडिशनल गोल्ड है, आप देखें ये लगा हुआ है आउटर कॉर्नर जो है इसमें ब्लैक और ब्राउन और लाइट सा टिंच जो बर्गंडी का है, उसको लगा के बिल्कुल स्मज किया हुआ है, और एज अ ट्रांजिशन शेड में भी आप देखें वही ब्राउन शेड है। जब इसको हम ऑब्वियसली जब उसको बहुत ज्यादा उसको ब्लेंडिंग करते हैं एक बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है, कुछ बना है ना बिल्कुल ब्रॉन्जी कॉपर। और जो है लाइनर लगा हुआ है इसका, प्रॉपर एक शार्प विंग नहीं है, लेकिन लाइनर जो है वो थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से स्मज मेकअप है, ब्लेंडेड मेकअप है। सारा खान के मेकअप क्या कैसा सारा खान का? आप देखें फुल काजल वाला जो स्मोकी आईज टाइप होती है, बिल्कुल उसी तरह का मेकअप है, बहुत ज्यादा बाहर शेड्स नहीं लगाए हुए, आईज को बिल्कुल जैसे राउंडेड आईज होती है एग्जैक्टली आप देखें बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है। लेंस की वजह से आप देखें आईज ना फिर बहुत इन्हेंस हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जब हम ब्लैक कलर का स्मोकी मेकअप कर रहे होते हैं उसके लिए लाजमी होता है कि हम कोई अच्छे लेंस लगाएं ताकि आईज जो है वो थकी भी ना लगे, बिल्कुल कैमरे में बिल्कुल फ्रेश आ रही हूँ, और जो शेड्स हैं वो प्रोमिनेंट काजल काला होता है और आईज जो है लाइट होती है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा देता है। एग्जैक्टली ठीक है, सेम एज इट इज देखें। और नीचे जो है ना हल्का सा ये ब्राउन शेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लैक और जो ब्राउन मिक्स होकर एक बड़ा अच्छा जो है ट्रांजिशन शेड भी बना हुआ है साथ साथ। ओके आगे चलाते रहे भाई, क्यों रुक गए मेरी टीम, क्यों स्क्रॉल फंस गया क्या? अच्छा जी, अब आएगी इकरा अजीज का मेकअप, इकरा अजीज की बारी, तो जरा मुझे। अच्छा, इकरा अजीज का भी जो सेम जो आईलेट पे जो शेड है वो उसी तरह का गोल्ड है, हाईलाइट भी गोल्ड है इसका, और जो है बहुत ज्यादा कॉर्नर्स वगैरह नहीं बने हुए इसमें, और एक बिल्कुल सॉफ्ट सा लाइनर लगा हुआ है, तो इकरा अजीज का शेप जो है ना मतलब तमाम मेकअप में तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेकअप है। नहीं तो मुझे बताएं ऐसे, लेकिन लाइनर्स का प्रोमिनेंट है, लाइनर जो है ना बहुत ज्यादा विंग नहीं है, लेकिन जो क्योंकि इसकी आईज वैसे भी बहुत प्यारी सी है, तो आपने ये देखा ज्यादा बाहर नहीं निकल, लेकिन इसकी हल्की सी मतलब शेप दे दी बिल्कुल, और जो है ब्राउन है। किस चीज से ब्लेंड किया हुआ है? ब्राउन से किया हुआ है, बिल्कुल ट्रांजिशन शेड जो है वो ब्राउन से किया हुआ है, और जिस तरह से जब हम गोल्ड हाइलाइटर लगा रहे होते हैं फिर नीचे जो है डल गोल्ड जो दो कलर जो बनते हैं उसके साथ जब हम बीच में कोई से भी एक शेड लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है लगे हुए तो ऑलमोस्ट 3 कलर्स होते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे 4-5 कलर्स लगाए हैं। ओके ठीक है। हाँ जी, तो देखिए मैंने इतनी सारी आपकी हेल्प कर दी है और मैंने काशिफ से कहा कि वो एक्सप्लेन करें, तो मैं टाइम शुरू करवा रही हूँ। 25 मिनट का टाइम है जिसमें आप लोगों ने इसको कवर करना है। आपका टाइम शुरू होता है।
हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अगर किसी को शौक है मेकअप क्लास लेने का काशिफ से, तो वो मुंतजर रहे, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलेगी मेकअप क्लास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 13 मिनट का टाइम बाकी है हमारी कंटेस्टेंट्स के पास, और ये लगी हैं उस टास्क को पूरा करने जो हमने आज इनको दिया है। 3 सेलिब्रिटी ब्राइड्स के मेकअप अलग अलग कंटेस्टेंट्स को मिले हैं। स्क्रोल चलता जा रहा है हमारे स्क्रीन्स पर, मेकअप नज़र आता जा रहा है, और ये लोग उस तरह का मेकअप कर रहे हैं। यहाँ अब आप लोगों के लिए जो जजेस हैं हमारे लिए, एक उनके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या, मैंने आपको बता भी दिया है कि आज की एक मेकअप क्लास जो है वो काशिफ के थ्रू होगी। काशिफ आई मेकअप, ब्राइडल आई मेकअप हम सब आपसे सीखना चाह रहे हैं। उस तरफ आपका पूरा सेटअप हमने किया हुआ है, उधर ही चलते हैं हम लोग भी। 13 मिनट का टाइम रह गया आप लोगों के पास। हाँ काशिफ, थोड़ा सा डिस्कस करें क्या, किस तरह का मेकअप। अच्छा निदा, जो है आजकल जो है दोबारा बड़ा ट्रेंड चला हुआ है शिमर आई मेकअप का। अच्छा, और एक तो होता है बिल्कुल लाइट शिमर होता है, और एक होता है बड़ा प्रोमिनेंट सा और मल्टी कलर का शिमर, जिससे मेरा ये देखे ना, वैसे तो बड़ा शार्प सा है, बड़ा खूबसूरत सा, ये गोल्ड कलर है। और जो इसको आप कैसे, इसको मैं मेन जो है, अच्छा इसके लिए जो है ना लिपस्टिक जो है मैंने रेड नहीं लगाई, क्योंकि बहुत ही ऑड लगता। अगर आईज बहुत हम अगर हैवी बना रहे हैं तो उसके साथ जो है लिपस्टिक अगर रेड लगा रहे हैं हम, क्योंकि ओवरऑल पूरा आप देखिए मरून सा ये पूरा ड्रेस है। हाँ। और आईज जो है मुझे मतलब ज्यादा मतलब ब्लिंक बनानी है, तो उसके साथ जो है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब एक प्रोमिनेंट येलो सा गोल्ड है, तो ये सिर्फ कलर ही बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ जो है रेड लिपस्टिक लगा दूंगा तो ये इसका जो ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब टू मच लगेगा। okay. अच्छा मेकअप जो है बहुत ही सिंपल है, इजी है। सबसे पहले जो है, अच्छा पैलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा विंटेज क्वीन पैलेट है, ये वैसे आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ था नेता, और ये अब जो है अवेलेबल है। अच्छा इसके, इसमें जो है वो तमाम कलर्स हैं जो हम बहुत सारे मेकअप में हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पिगमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है। अच्छा सबसे पहले वो देना, इसी की वो कलर्स का एडवांटेज बहुत ज्यादा है ना इसमें। हाँ, बहुत सारे हैं। हो गया। अच्छा पहले जो है सबसे पहले आईब्रोज जो है ये बना चुका हूँ मैं, इस पे जो है मेरा ये कलर जो है ना सिर्फ ये वेट करके पानी से सिर्फ इसको लगाना है, किसी भी एंगल ब्रश से ना बस इसको लगाना है। जरा दिखाना चाहेंगे कि आईब्रो दिखाओगे, एक मिनट पानी देना। ये वो ये वैक्स वाला वो है, इसको पानी से लगाना पड़ता है। अब कितना भी आपको इसको लाइटर डार्कर करना है वो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो उसको ना। अच्छा ये करके और आर्च के पास से लिफ्ट करके, ये तो भी हुआ है। हाँ। पहले भी सिखा चुका हूँ, और ये इस तरह से आपने लगाना है। अच्छा आउटर साइड से ज़्यादा इसको जो है प्रोमिनेंट करना चाहिए, और इनर कॉर्नर पर जो है फ्रंट पर कभी भी जो है टू मच हैवी नहीं लगाना चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना शार्प और बहुत ज़्यादा कनिंग एक लुक आ रहा होता है पूरा मेकअप में ना। अच्छा इसके बाद सबसे पहले जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये मेरा ग्रेसन ग्लैमरा शेड है, और ये भी उसी तरह से वेट करके इसको। ये वाइट क्या क्या इसका शेड है? इसका शेड है आइस क्वीन, वैसे इसका शेड आइस क्वीन है। अच्छा। ये सिल्वर सा कलर है, और ये देखें कितने ईजिली आप इससे अपनी नीटनेस जो है ना आईब्रोज की आप कर सकते हो। कुछ लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है घबराते हैं कि शेड जो है बहुत ज़्यादा जो है फेस पर गिरे, तो कोई भी मतलब अक्सर ऐसा होता है कि पैलेट के कलर जो होते हैं वो झड़ कर जो है गिर रहे होते हैं। आप ये देखें बहुत इजीली लग गया है, कहीं से कोई फॉल आउट वगैरह नहीं है। ठीक है। सेम तरह से क्वांटिटी बहुत कम है, अक्सर ऐसा होता है ना सब बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, हाइलाइटर पूरा लगा लेते हैं आईज पे, तो उसके बाद क्या होता है जब आप कोई ब्लेंडिंग करते हैं ना तो वो शेड्स ब्लेंड नहीं होते, क्योंकि हाइलाइटर का शेड इतना लाइटर और ग्लॉसी हो रहा होता है कि वो शेड मिक्स ही नहीं होते। तो ये थोड़ा कम लगाना है। अच्छा आप कौन सा वाला शेड ले रहे हैं आप अपने पैलेट में से? ये वाला शेड ले रहा हूं मैं, इसका गोल्ड। कौन सा वाला? गोल्ड सेकंड, ये वाला। ठीक है, ये वाला ब्रॉन्जी ब्रॉन्जी सा है ना, बहुत
गोल्ड है, गोल्ड जो है ना दुल्हन बिल्कुल ट्रेडिशनल लगने लगती है। गोल्ड ऐसा कलर है कि हर कपड़े पे भी चलता है, कोई भी कलर पहने गोल्ड ऐसा कलर है कि वो सारे कलर चलता है। शादी पे जाना होता है ना एक पतली सी लाइन लाइनर की और ये गोल्ड लगा लिया ना तो आप लाइक एक आधा मेकअप हो गया, आधा मेकअप हो गया। अच्छा हर तरह के मतलब फेस पर और मोस्टली मेकअप में ये जो है ये कलर जो चलता है गोल्ड ना हमारे पाकिस्तानी सूट भी करता है बहुत ही एशियंस पे सूट करता है बहुत ही। इवन कि आप देखिए कितनी भी पुरानी अच्छा लगता है, मुझे लगता है सिल्वर हमारी इवन कि आप अगर पुरानी कोई फिल्में भी देखेंगे हीरोइन अक्सर इस तरह के शेड्स को बहुत जैसे यूज करती हैं। हां कोई फॉल आउट देखिए इसमें भी नहीं है, हल्का सा मैं इसको वेट करके लगाया। उसको एक साथ जो है मिक्स कर दिया कि कोई हार्श लाइन ना बने बिल्कुल। आइस कलर ये देखें ठीक है, उसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा आपने मतलब लगाने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा सा लें तो अच्छा। हां ये क्या है, अच्छा इनर कॉर्नर को एक सॉफ्ट लुक देने के लिए, एक जो है शाइन देने के लिए, जरा सा ग्लाइड ऑन करने के लिए सामने का करीब इससे सॉफ्ट लुक आ जाए। तो अच्छा इसके लिए आपने दूसरा शेड यूज किया, शेड है इसको पानी में मिला के कर दिया है, ये पाउडर है क्या? पाउडर, पाउडर है। अच्छा ये बंद है अभी, मैंने कहा ढक्कन उनके हाथ आई ग्लोइंग शिनर है ये देखें, इसने बहुत अच्छे तरीके से दोनों मतलब तीनों कलर्स को बहुत अच्छा जो है मिक्स कर दिया है। अच्छा फर्ज करें ना जैसे सबके अपने बजट्स होते हैं, पुकांग गया पैलेट, ये पैलेट दो। अब अगर फर्ज करें आपका एक ही पैलेट है किसी के पास, ठीक है ना, तो अब अगर इसमें भी एडवांटेज है आप इस पे भी शेड लगा सकते हैं। इसमें कौन सा शेड ले सकते हैं? इसके लिए जो है ना आप ये देखिए लाइटर कलर है ना ये बहुत अच्छा है इसके लिए, ये भी लग सकता है इसमें। ओके ठीक है देखिए सेम ही शेड है, सेम है ये जो मैं लगा रहा हूँ वो ये ऊपर वाला। ओके ओके मतलब कि अगर किसी के पास पूरा मेकअप नहीं है तो वो इस पैलेट में से भी, इस पैलेट में सारे ही कलर्स हैं जैसे मैट कलर्स भी हैं और कोई भी आपने ट्रांजिशन कलर है या आउटर कॉर्नर के लिए तमाम शेड्स हैं इसमें। ये रस्ट कलर है, इसको आप पूरे आउटर कॉर्नर बनाऊंगा। अच्छा रस्ट से आउटर कॉर्नर बना रहे हैं, पिगमेंट देखें बहुत इजीली। जी जी तो ओवरऑल जो मेकअप है ना इस पैलेट से बहुत इजीली हो जाएगा। ब्राइडल मेकअप भी और जो नॉर्मली आपने शादी वादी में जाना है वो भी, वो वाला मेकअप भी, और इसमें वो भी शेड है लाइट शेड जैसे आपने कहीं इधर उधर जाना है पीच और ये शेड हल्का फुल्का लगा कर, पिंक के भी शेड्स हैं रेड के भी हैं। इसको फुली ब्लेंड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ओवरऑल जो है अभी ये चौथा कलर है जो इस आई मेकअप में मैंने लगाया है, गोल्डन लगाया आपने, हाइलाइटर का कलर था, एक कलर था और इनर कॉर्नर था और ये ऑरेंज वाले से आपने ब्लेंडिंग की है। हमारे पास 6 मिनट रह गए आप लोगों के मेकअप खत्म होने का जो टाइम है, 6 मिनट लेफ्ट। मैट ब्लैक कलर, अच्छा आप ब्लैक कलर आप ले, वो किधर लगाएंगे? ये आउटर कॉर्नर, ठीक है, आईज में बहुत अच्छी एक ना डेप्थ आ जाए। लेकिन नीचे ऑरेंज लगाया था उसके ऊपर ब्लैक लगाया है, डायरेक्ट ब्लैक नहीं लगाया है ना। ब्लैक शेड लगाने के बाद हमेशा जो है ना अगर थोड़ा बहुत भी गिरे तो उसको फौरन से उसको डस्ट आउट कर लें क्योंकि फिर वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, बुरा लगेगा वो स्प्रेड हो जाए तो हल्के हल्के बनते हैं ना जैसे। इसके बाद जो है अब आप ब्राउन की तरफ गए, ब्लैक के साथ आउटर कॉर्नर पे लगा के इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, जो ऑरेंज ही लगा था उसी के ऊपर आप ब्राउन कर रहे हैं।
पार्टी करते थे जब हम ऐसे मेकअप करते थे तो पहले हम डायरेक्ट देखें ब्लैक... अब ये मिक्स हो चुका है हाँ। और आप ये देखिए रखा हुआ है तो इसको हाँ। बहुत इजीली आप जो है उसी जगह पे लगा के डिफ्यूज कर देंगे। पहले वाली टेक्निक्स अलग थी, वो मतलब इतनी बुरी लगती थी, जैसे मैंने ब्लैक कलर लगाया उसके नीचे कोई चीज़ नहीं लगाई तो अजीब मुक्का मारा मैंने, लगता था आँख पे। अब वो समझ आ रहा है कि आपने रस्ट कलर दिया है, रस्ट के ऊपर ब्लैक आया, रस्ट के ऊपर ब्राउन आया, तो बेस बन बना के आपने और फिर वो मेकअप किया है तो वो एक सॉलिड ऐसे रखा हुआ नहीं है हाँ, सब ब्लेंडिंग में ऐसा नहीं है। अच्छा ये आईशैडो बेस लगा रहा हूं मैं। अच्छा ये आईशैडो बेस लिक्विड क्यों शिमर को फिक्स करने के लिए, क्योंकि मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि जब हम शिमर लगाते हैं कि वो बिल्कुल लैशेस पर नहीं गिरे, क्योंकि पूरा मेकअप जो है ना खराब हो जाता है। अच्छा इसको लगाने की टेक्निक यही है, आप इसको फिंगर से लगा रहा हूं, ब्रश से लगा सकते हो आप ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना लेकिन इतना लगाना है कि हमें पता हो कि इसके ऊपर जब मैं शिमर लगाऊं तो वो इसके ऊपर चिपक जाए। ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल भी नहीं लगा और हमने उसको शिमर लगा दिए तो वो भी फॉल आउट हो जाएगा। अच्छा होने से पहले फौरन से लगाना है इसमें। बहुत सारे शिमर में भी बहुत सारे और जो है डिफरेंट जो है मतलब कलर जो है जैसे शिमर में और क्रीमी आई शेडो है उसके उसका उसका जो है फॉर्मूला अलग होता है इसको और शिमर अलग है इसको तो कलर पूरे ओवरऑल निदा पाकिस्तान में आई शेडोज में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत सारे में ऑलमोस्ट 400 के करीब जो है ना ओवरऑल आई शेडोज हैं मेरे पास ना। अब ये देखें okay. अच्छा ये वो ग्लिटर नहीं है जो लोग समझते हैं बिल्कुल हाँ। ये वो नहीं है जो मार्केट में मिलते हैं, आप इसको देखें इसमें टू टोन आ रही है, कहीं ग्रीन आ रही है, कहीं ऑरेंज आ रही है, कहीं गोल्ड आ रही है। देखें आप चाहो अगर आपने जो है इस पर सिर्फ मस्कारा करना है ये ओवरऑल ऐसे भी मेकअप अच्छा लगेगा, पार्टी मेकअप अगर आपको करना है। अब लैशेस लगाएंगे मस्कारा में, मिनट लेफ्ट, एक मिनट बाद आपके औजार आपसे छीन लिए जाएंगे। लाइनर लगा रहा हूं मैं, ये भी आप लोगों का हाँ, लाइनर है, लिक्विड लाइनर है ये। अच्छा और लैशेस लगाने से पहले सबसे पहले लाजमी जो है आपको एक बारीक सी एक नीट लाइन जो है ना लाजमी देनी चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट जो है आई शेडो के ऊपर लगा लेते हैं तो उसके बैंड के नीचे कभी कभी जो है मतलब कवर नहीं होता शेड जो होता है अक्सर, जैसे मैं अपनी आंखों पे खुद मेकअप करती हूँ ना और ग्लिटर लगाती हूँ और मैं फिर उसके ऊपर लाइनर लगाती हूँ क्योंकि वो वाटर लाइनर होता है तो वो फिर बहुत हल्का लगता है, वो इतना मजे का लगता नहीं। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, and 1, stop। कौन हो तुम लड़कियों, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं, हमारी मॉडल्स हैं, हमने दी थी इन्हें, शक्लें बदल गई हैं सबकी। छोड़ दो छोड़ दो वो, ज़रा मैं वहाँ से कंप्लीट करवा के आ जाऊँ तो ये देख नज़र रखना, कोई नाजरीन जजेस नज़र रखिएगा, कोई कंटेस्टेंट बेईमानी ना करे। मैं हेयर का टाइम दे दूँ? अच्छा ठीक है, चले मैं ऐसा करती हूँ कि आपको 25 मिनट हेयर के दे देती हूँ, आप अपना कंटिन्यू करें अपने हेयर वगैरह का करें, ठीक है? कितने 25 के 20? ओ सॉरी 20 मिनट, 20 मिनट फॉर हेयर। आपका टाइम शुरू होता है आप, आपकी मर्जी है, आपका टाइम आप शुरू होता है। मैं आ गई जल्दी से भाग के ताकि मैं लैशेस लगा, हाय लगा दी लैशेस, हाय मैं तो वही दिखाने आना चाह रही थी। अच्छा दिखा दूं दोबारा? हाँ ना, लैशेस। अच्छा अब लैशेस कौन सी सेलेक्ट करें, कैसे
पता चलेगा। ये कहता है पैलेट्स में जो है हैवी है और उससे लाइटर है, ग्लैमरस है और नेचुरल है। ये पैलेट जो है जैसे अवेलेबल है आपके पास, तो उसमें तीन एक साथ मिलती हैं, तीन कैटेगरीज हैं जी। ओ जबरदस्त, सिंगल भी है, सिंगल आईलैशेस भी है, थ्री लेयर में भी है, पूरा पैलेट, इससे बड़े पैलेट्स भी हैं। और इसको कितनी दफा रीयूज कर सकते हैं? अच्छा ये भी एक पैलेट ना, इसमें भी है, डिफरेंट है, मतलब डिजाइन जो है ना अच्छा अलग अलग। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ग्लैमरस पसंद होती है तो वो हैवी भी है, थोड़ी और हैवी है। हाँ सिंगल है। हाँ अच्छा, जैसे अगर मुझे समझे पार्टी मेकअप के लिए खुद घर में लगानी है तो मैं कौन सी लगाऊंगी? इसमें ट्रस्सी जो है ना ये बहुत बेस्ट है, लाइटर है। आप ये देखें ये उससे ज्यादा मतलब ग्लैमरस है, और ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा हैवी पसंद है ड्रामेटिक। अच्छा अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हैवी लैशेस पसंद नहीं होती है, बिल्कुल नेचुरल, उसके लिए ये पैलेट जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप ये देखिए जितनी भी है ना अच्छा। बिल्कुल जो है शॉर्ट मतलब 10-12 एमएम की जो है ना लैशेस है अच्छा। सारी सारी लाइटर है और थिन है सारी ना। सही है ठीक है। साथ आप लोगों ने वो भी दिया हुआ है सारा, किस तरह लगानी है, होल्डर भी है इसमें है साथ रखा हुआ, दिखाओ कि निकाल के। ये तो बड़ी मजे की चीज लग रही है। ये आपने इसको ब्राइडल लैशेस, ब्राइडल जैस्मिन लैशेस है ये। अच्छा ये किस लिए होता है? ये इसको दोनों जो लैशेस अपनी लैशेस हैं, और एक तो इसको लगाते हैं हम इसकी मदद से, और उसके बाद इसको ब्लेंड करने के लिए ना कैसे यूज करते हैं जरा ये दिखाएं, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये आपके पैलेट में लैशेस जैसे आपने पकड़नी होती है लैशेस, अब डायरेक्ट उसके बाद हम जो है उसको लगा लीजिए, जैसे खुद लगा रहे थे ना इजीली। आप इसको रख लें, होल्ड करते हो आप, और उसके बाद जो है दोनों अपनी लैशेस, अपनी नेचुरल लैशेस और इसके साथ जो है इसको इसको मिक्स कर लेते हैं ये है ना। अच्छा दबा के ये दबा दें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि दोनों जो लैशेस है ना वो ज्वाइंट नहीं होती तो बुरी लग रही होती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ओके जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। यहाँ काशिफ का ब्राइडल मेकअप तकरीबन खत्म हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं? वाइट। अच्छा व्हाइट पेंसिल के बजाय ये क्या चीज है जो बहुत ही जो है ना मतलब फ्रेश लुक आ जाती है? व्हाइट जेल, जैसे ब्लैक जेल होता है, ब्राउन जेल होता है। तो आपके पास कितने कलर्स में अवेलेबल है इसमें? तकरीबन 8 कलर है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों को अगर मतलब न्यू कलर पसंद होते हैं वाटरलाइन के लिए तो वो भी है, अदरवाइज इसमें ब्लू है। आप ये देखें आप जो है इंस्टेंटली फ्रेश और बड़ी लगने शुरू हो जाती है। मतलब एक जमाने में पेंसिल होती थी, अब जो है ये भी लाइक पेंसिल को जो है ना लगाना नहीं था मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी वो कलर नहीं दे रही थी। आप देखिए इजीली, और इसका फॉर्मूला ऐसा है जैसे मैं लगा रहा हूँ, लगाते हुए देखिए बहुत स्मूथ है, और ये थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल स्टे रहेगा, क्योंकि ये वाटर लाइन है, ऑब्वियसली ये वेट होती है। तो पेंसिल वगैरह कुछ भी हम लगाते थे ना तो उसमें ये होता है कि वो थोड़ी देर में हट जाती है बिल्कुल ना। ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा पूरा मेकअप जो है उसका लुक आप देख चुके हैं, बहुत आसानी से काशिफ ने आपको मेकअप समझाया। अब व्हाइट पेंसिल के नीचे भी आप एक शेड दे रहे हो, आँख का शेड दे रहे हो, ताकि मजीद डेप्थ आ जाए इसकी ना। हाँ इस पे जो है मस्कारा लगेगा। हाँ तो आँख जो है इसकी वजह से और ज्यादा खुली खुली लगेगी, खुली खुली लगेगी। की तरफ चलते हैं, आपने देखा आई मेकअप, मैं तो सीख गई भाई यहाँ खड़े होकर। मैं बहुत गौर से आज सोच समझ के जो है वो मेकअप सीखा है। उम्मीद है ये आप अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करेंगे, चाहे आप इसे थोड़ा सा कम कर लें अगर आपने किसी, तो शादियाँ खुल गई हैं, जा सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज वो अहम दिन है जिसे हम लाइक ब्राइड्स के लिए अहम दिन कहते हैं। वो शायद माइयों मेहंदी किसी और चीज़ पे इतनी नर्वस नहीं होती जितनी वो आज के दिन होती हैं, और हमारी कंटेस्टेंट्स भी मुझे लग रहा है आज के दिन नर्वस हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन रह गया ग्रैंड फिनाले में। ग्रैंड फिनाले में जो एक विनर होगा उसको मिलेगा लाख रुपए का कैश प्राइज ब्यूटी चार्म की तरफ से, और रनर अप को मिलेगा 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज ब्यूटी चार्म, जो आपके हेयर एंड स्किन के तमाम मसलों का हल है। इनके पास तकरीबन 30 से ज़ायद प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड फेशियल इंट्रोड्यूस कराने वाली सबसे पहली कंपनी थी। फेशियल किट को आप तकरीबन 15 बार यूज़ कर सकते हैं। इनके तमाम प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तमाम डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद हैं।
और जो मेरी कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास 5 मिनट का टाइम है, तब तक मैं काशी से ज़रा पूरी गाइडलाइंस ले लूँ। दुल्हन पूरी तैयार हो चुकी है काशी, यू जस्ट अच्छा, जैसे मैं अक्सर निधा आपको पता है कि लाइनर भी लगा रहा होता हूँ, आउटर कॉर्नर भी बहुत बना रहा होता हूँ, जैसे इस मेकअप में आप देखें आइस खोलो कि बहुत ज़्यादा आउटर कॉर्नर हैवी नहीं बनाए, आईज से मतलब शेड्स को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाला, जैसे अरेबिक लेबनीज़ जो बड़ा मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल भी है ना, तो हर तरह के मेकअप जैसे हम करते हैं, किसी को कितना लेस मेकअप पसंद है, किसी को कितना ग्लैमरस मेकअप पसंद है, किसी को बिल्कुल ही अरबी, क्योंकि हर किसी की पसंद अपनी होती है और शक्ल भी ना बिल्कुल काशिफ, हर किसी के चेहरे पर तो लेबनीज मेकअप सूट नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही अच्छा, और मेकअप आर्टिस्ट को भी ऐसा होना चाहिए कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जो पसंद है बस वही, देखें हर कोई हर किसी के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब रीजनल अगर आप देखें किसी की जो भी है उनका अपना ट्रेडिशन है, जैसे बलोच हैं या पठान हैं या मेमन हैं, मतलब हर तरह की कास्ट वो उनको उस तरह की चीज़ें ही पसंद होती हैं। अब मैं अपनी ज़बरदस्ती के क्लास बना के नहीं, यही अच्छा और यही आपको अच्छा लगे, ये बात आपको जो उनको जो चीज़ पसंद है उसी को मजीद खूबसूरत करके दिखाया। कुछ चीजें अगर देखें ओवर डू है तो उसको तो मशवरा मेरे ख्याल में कोई भी अगर अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है कभी भी नहीं देगा, लेकिन आपकी जो पसंद है उसी को समझते हुए, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन हाई है ठीक है किसी चीज़ के लिए, और मेरी स्पेशलिटी है मेरी एक्सपर्टीज अपनी चीज़ में, तो मैं उन दोनों को एक कॉम्बिनेशन बनाकर ओवरऑल जो हमें देना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट है। तो इसी तरह से जैसे अच्छा, आप आउटर कॉर्नर से मैंने कुछ नहीं, आप देखें इसकी आँख देखें, जैसे गिर रही थी इसकी कोई चीज़ अगर गिर गई है मुझे वो बताइए, ज़रा टिप दीजिएगा कि अगर इसकी आँख को मेकअप करते हुए कोई चीज़ गिर गई है तो ये आपने साफ लाइक बेस लगी हुई थी उसका क्या तरीका है, अगर हमारे आंख के ऊपर जैसे कुछ गिर जाता है ये बहुत हमें दोबारा पूरा मेकअप ना करना पड़े। अच्छा, हमारा उसके लिए जो है ना कोई सा भी जैसे ना आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अच्छा पहले उसको ना लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर कोई सा भी ना, दोनों में से कोई जिसमें बता रहा हूँ। हाँ तो आपने इसको जैसे फॉल आउट जैसे अक्सर यहाँ यहाँ पर ही होता है ठीक है, तो आपने जो शेड लगा हुआ देखे मैं यहाँ पर करूँगा ये हाईलाइट भी हो जाएगा और ये आराम से निकल जाएगा। अच्छा देखिए डार्क नहीं हुआ और ये मज़ीद लाइटर ही हो गया है ठीक है, और स्क्रीन पर दोनों आईज का डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा। हाँ जैसे एक ये शिमर लगा हुआ देखिए हटा रहा है हाँ। वो शिमर की वजह से फिर वो तस्वीरों में लग रहा होगा आती है। अच्छा आपने कहा कि लूज पाउडर लगा के बिल्कुल और उसको झाड़ दे वो भी झड़ जाएगा और वो एक एक्सेस और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप गिरा लेते हो तो उससे मतलब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले लूज पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर खूब का मतलब काफ़ी सारा जो है आप आइस के नीचे अगर आप लगा दो आई मेकअप करने के बाद जो है उसको फिर आप झाड़ दें इस तरह से कर लें एक्सेस झाड़ दें खत्म हो जाएगा। अब ये देखें सामने देखो कैमरे में आँख जो है बड़ी एक प्रोमिनेंट और खुली खुली लग रही है इसे देखें। हाँ मतलब वाइट पेंसिल के नीचे भी आपको शेड देना है लाजमी और मस्कारा जो है ये तो ब्राइडल मेकअप है ना। फर्ज करो काशिफ मुझे शादी में जाना है, मुझे इसी की शादी में जाना है, उस समय तुम्हारी शादी में आ रही हूँ ठीक है। तो अब अगर मुझे ब्राइडल लुक नहीं करना है मुझे नॉर्मल मेकअप करना है तो मैं वाइट पेंसिल की जगह कौन सी पेंसिल लगाऊंगा? अगर आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें आपके पास जो है आप इसको जैसे मेरे बहुत सारे कलर्स हैं देखिए ये एक अगर कुछ लोगों को काजल पसंद होता है ये ब्राउन है ये बहुत प्यारा लगता है ये भी ब्राउन कलर है। इसके साथ भी अगर मैं मतलब इसको नीचे भी ब्राउन लगा दूंगा ना ये भी आंखों को बहुत खूबसूरत दिखाएगा। इसके अलावा जो है ब्लू कलर है इसमें और ये कौन सा देखा? अच्छा मतलब मैं कौन सा कलर मैं स्किन कलर लगा के जा सकती हूं है ना। कुछ लोगों को पता मतलब बहुत ज्यादा जो है स्मोकी लुक पसंद होता है तो वो ब्राउन लगा सकते हैं। हाँ। और कुछ लोगों को मतलब आईज जो अपनी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखानी होती है तो ये न्यूट कलर इस तरह के जो कलर्स हैं इसमें जो है तकरीबन 6 to 7 शेड्स हैं हमारे पास ना। अच्छा। तो वो जो है सेम यही फॉर्मूला है इसका इसी तरह से बहुत इजीली लग जाता है क्योंकि अक्सर लोग नेता क्या करते हैं कि वो स्टिक लगा लेते हैं। स्टिक में ये होता है कि स्टिक भी वैक्स बेस होती है और वो जो है वो भी फिर लग जाती है लेकिन ऊपर वाली आंखों पे लग जाती है नहीं बनी हुई होती ना ये स्पेशली बनी हुई इसी चीज के लिए क्योंकि ड्राई होती है। अच्छा देखिए ये गोल्ड कलर रह गया है एक ये गोल्ड कलर आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में रेखा वगैरह बड़ा लगाती थी श्रीदेवी वगैरह तो इस तरह के गोल्ड कलर्स आप ये लगा सकते हो। ये तमाम चीजें बेसिकली जो है वाटर लाइन के लिए हैं मतलब स्पेशली मैंने डिजाइन किए हैं। अदरवाइज हम अगर स्टिक लगाते हैं आप ये देखें ये कलर बहुत खूबसूरत है फिरोजी। हां बहुत सारे लोग फिर ये भी लगा रहे हैं आजकल फैशन में है। अच्छा ये इनके भी लगा सकता था मैं ये कौन सा ब्लू पर्पल कलर है पर्पल है कि ब्लू है नेवी ब्लू पर्पल और ब्लू का कॉम्बिनेशन है इसका ना।
ये देखिए एक ये है, ये येलो टोन में, इससे पहले मैंने आपको न्यूड कलर दिखाया था। हाँ ये वही बेज है ना, दिखा चुका ना वक्त। नहीं नहीं उसी का, उसी का चेंज है। 10 एक एक 9 8 7 6 5 4 3 and 2 and 1 stop छोड़ दो छोड़ दो। ये देखो कितनी तुम्हारी लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, वो सुन नहीं रही मेरी काशिफाई लड़की आनम, तुमने अच्छा ट्रेन किया है। बस कभी गुरूर नहीं किया, पार्लर में भी यही हाल है। ओके जी आइए जी जरा तब। हाँ अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश की है तुम लोगों की, चार दिन में अच्छी परवरिश हो गई है। ओके चलिए जी काशिफ, तबसरा शुरू होता है ना जरा मेकअप पर। कहाँ से शुरू? काशिफ सबका मेकअप बहुत अच्छा है मेरी। निदा से जो है शुरू करते हैं। अच्छा हाँ ओवरऑल देखें। अच्छा वो कांगेस का बैंड तो बैंड क्यों उतार दिए भाई, हमें क्या याद थोड़ी रहेगा रट्टा के कौन ऐसा टास्क आया था आपके ऊपर। अच्छा निदा का हाँ यस गुड फाउंडेशन बहुत अच्छा है, दिखाओ आगे बनकर। सिर्फ एक जो है इनके मेकअप में मस्त, सिर्फ और सिर्फ लैशेस का है। एमन में शिमर कहाँ था? एमन में था हल्का सा। हाँ लाइट सा है। ग्लिटर और शिमर में क्या फर्क है? ग्लिटर थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, इसलिए मैंने लगाया वो सॉर्ट ऑफ ग्लिटर ही है। ये शिमर है लेकिन ये बहुत हैवी लगाया हुआ है, इससे बस थोड़ा सा इनको चाहिए था थोड़ा सा लाइटर कर लेते हैं इसको ना, क्योंकि वहाँ तो वो तो आई शेडो के अंदर है हल्की सी पिक्चर। अगर जो है ना नहीं है जिससे इसकी आईज जो है इस तरह की, शादी में मौजूद थी। नहीं अच्छा नेता एक ये है कि उसकी आंख जो है ना काफी अच्छी बड़ी बड़ी आंख है ना, अगर किसी की छोटी आईज है तो हमें उस हिसाब से उस चीज को थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस शेड पे, क्योंकि मेन जो आईलेट एरिया है, अगर इस जगह पर हम आंख अगर छोटी है उसको अगर हम मतलब डल कलर लगाएं तो और दबी दबी लगती है। ठीक है उसको उभारने के लिए, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए लाजमी कोई भी आप शिमर लगाओ, तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज इसके नीचे जो इन्होंने बेस कलर दिया था, ये मैंने देखा था, देखें ये वही कलर है जो ओवरऑल जो एमन का लगा हुआ है सेम। तो क्या क्या मसले क्या है? लैशेस का इनका सब सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे लगे हैं लैशेस। नहीं लैशेस ठीक नहीं है और जो है ठीक मतलब क्या ठीक नहीं है इनकी आंखों के लिहाज से बड़ी हैं। नहीं आपने खुद नहीं करना। नहीं कर नहीं रहा, करने में दिखा रहा हूं मैं क्लोज ताकि लोगों को पता चल जाए, ताकि ये मसला ना हो। बंद करो इसे, ये फेक लैशेस है, तो लैशेस बहुत मैटर करती हैं। हां ये प्लास्टिक की है लेकिन देखो ना एक ऊपर है एक नीचे है, वो तो साफ मुझे भी नजर आ रहा है। मैं तो मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे भी नजर आ रहा है कि आउटर कॉर्नर अल्लाह नहीं प्लीज ये आउटर कॉर्नर नहीं कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये अगर ये शॉर्ट हो जाता ना इसका आइस खोलो बस ये मसला है इसका ना। अब तो इसके पास टाइम ही नहीं है शॉर्ट करने का, कट की थी थोड़ी सी बस और करनी थी इसकी ना। अदरवाइज बहुत फाउंडेशन बहुत अच्छा लगाया हुआ है, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई हुई है, शेड्स भी बहुत अच्छे लगाए हुए हैं इस मेकअप में। अगर देखा जाए तो इनका मतलब इनकी स्पेशलिटी बहुत अच्छा किया हुआ है जो लैशेस का इनका अपना पॉइंट है वो लैशेस है, ट्रिम करनी थी बस इनको ना, वहां गड़बड़ होगी। लेकिन देखो दोस्त दुल्हन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, उसका बेचारी का एक अहम दिन लैशेस लगा के तुमने गड़बड़ कर दिया। निदा लिपस्टिक दिखाए जरा, लिपस्टिक सही है बिल्कुल, मोटे होंठ बनाने की कोशिश की गई है तुम्हारी। कलर बहुत अच्छा लगाया है, शेड बहुत अच्छा लगाया है, अच्छा है प्यारे। हाँ क्योंकि उसके भी पतले होंठ है ना। ओके काशिफ देखते हैं कि आज ये जो है ना अनम, इन्होंने क्या तुम्हारे पास क्या था? इकरा अजीज। सबसे पहले तो मैं अजीज ने ये वाला शिमर लगा के बंद करूं, लिपस्टिक की तारीफ करूंगा, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई हुई है ना, जिस तरह से सबकी तारीफ कर रहा है। नहीं 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 कल भी बहुत अच्छी लिपस्टिक लगाई हुई थी, कल इवन के डेंजर अच्छा, जोन में थी। इकरा की लिपस्टिक थी क्या? हल्का सा लाइटर शेड और लाइट थी। हाँ, और लाइट थी। और अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता नेता कि हर इंसान की जो स्किन के हिसाब से कभी कभी शेड्स जो है ना चेंज भी हो जाते हैं, जैसे हम मेकअप करते हैं स्टाइलिंग हाँ. के लिए भी जाती हैं तो उसके बाद आती हैं तो मेकअप जो है कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि वो लाइटर हो जाता है। हाँ. जिस तरह से ऑब्वियसली ये रेड के हिसाब से ये बहुत परफेक्ट शेड लग रहा है, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जो रेड कपड़े पहने हाँ
आंखें बंद करो और जो इनका टास्क है उसके लिहाज से। लेकिन इकरा वाला मेकअप नहीं है इसकी आंखों का, इकरा ने कोई ऐसा शेड नहीं लगाया। इसकी शादी पे भी मैं गई थी। इसका मसला ये है कि जो है ना शेड जो है ना, नेता कोई बात नहीं ना, चले ना आगे। नहीं ना, ये तो नेता छोड़ दो भाई, ये जजेस आगे चले ना आगे। नहीं नहीं, ये देखें शेड जो है ना, सिर्फ मिस्टेक क्या है कि इकरा ने बस वो शेड लगा के बस सॉफ्ट सा रखा हुआ, ये हैवी हुआ है। ऑन स्क्रीन देखो ना, ऑन स्क्रीन भी पब्लिक तो यही कहेगी ना कि भाई इंसाफ नहीं हो रहा इसमें, इस मेकअप में, क्योंकि ये बिल्कुल इकरा वाला मेकअप नहीं है। ये जो ट्रांजिशन शेड है ना, ये हैवी किया हुआ है इन्होंने बहुत ज्यादा। ये देख रही नहीं था, ये कलर जो है ये बहुत टू मच हो गया, जिसकी वजह से बहुत लाउड लुक नहीं, ये जो बीच का कलर है ये वाला था, ये इकरा ने लगाया ही नहीं। अच्छा, ये जो है ना बेस कलर जो इन्होंने लगाया हुआ है सेम इकरा का कलर, शिमर की वजह से चेंज हुआ हुआ कलर। नेता देखिए रिंग लाइट भी है इसके ऊपर लगी हुई, तो अपर लागीचर हो गया ना अपर्चर उसका, जाहिर सी बात है। शादी में नहीं ना नेता, नहीं नहीं ये इकरा का मेकअप नहीं है, नहीं देखा क्रॉस नेता नहीं ऐसे नहीं बोलते, वैसे कोशिश बहुत अच्छी की है मेकअप। आज दोनों बहन भाई तय करके आए। अच्छा, ये सबसे ज्यादा जो है ना बेस्ट मेकअप हुआ हुआ है ओवरऑल जो है काशिफ की टीम का, मुझे पता नहीं अपनी को मैं बोल नहीं सकती। ये इकरा अजीज वाला मेकअप है, ये देखे ना जिस तरह से उसने गोल्ड शेड लगाया, सेम वही इकरा वाला लगाया है नो डाउट। और शुक्र है कि वो इतना चमक, बहुत सारे जो है ना शेड्स नहीं लगाया, शुक्र है डेप्थ ज्यादा नहीं दी ना, बहुत अच्छा परफेक्ट है ना। ये स्क्रीन पे लग रहा है ना इकरा वाला, हाँ लिपस्टिक का शेड भी लग रहा है इसका आज तो भाई। लिपस्टिक थी मैंने मैट आई शेडो किट में से निकाल के आई शेडो लगाया। देखो ये होता है ना आइडिया, यही तो बात है। क्या नाम था तुम्हारा? नाम है इरम। इरम तुम तो आज भाई, तुम डेंजर जोन में गई हो अभी तक? एक फर्स्ट टाइम गई, पहले दिन फर्स्ट डे, लेकिन मेरा वोट भी कोई नहीं आया था। हाँ क्या मतलब? हाँ अच्छा, आप अगर हम देखें ऑन स्क्रीन में दिखाती हूँ, काशिफ देखो आप तुम इंसाफ करना जरा, इसका दिखाओ, रिधा का क्लोज दिखाओ, इरम का क्लोज दिखाए भाई शकील भाई, ठीक है ये भी इकरा अजीज का मेकअप है, और जरा उसका दिखाओ अनम वाला क्लोज। अरे अल्लाह ये तो नहीं इकरा अजीज, टीवी बंद कर दे गई। टास्क यही था ना भाई, कल वाला टास्क नहीं है, हैवी लग गया है बस। जो ट्रांजिशन शेड है वो हमेशा मेकअप को ना बहुत ज्यादा, जो अगर सॉफ्ट मेकअप करना है तो वो उसकी वजह से अगर ट्रांजिशन शेड हैवी लगा हुआ होता है ना पूरा मेकअप जो है ना फिर वो हार्श और मतलब डार्क लगना शुरू हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आओ भाई अनम भाई, पानी कहाँ से गिर रहे, पानी पानी हो गई। ओके कहाँ से शुरू करें, वहाँ से जहाँ से कुरतुलैन से। चलो जी कुरतुलैन के पास टास्क आया था एमन खान का, आंखें बंद करो आ जाओ भाई अनम जी। नेता अच्छी कोशिश है, लिपस्टिक का कलर एमन का जो है ना वो प्योर रेड नहीं था, अगर बिल्कुल कंपैरिजन किया जाएगा, बिकॉज उसका ड्रेस कलर भी जैसे मरूनिश टच पे था, इसका रेड कलर है ना जी, एग्जैक्टली यही कलर था, ये जो है इसको रेड कर दिया, ये अच्छा है। बेस फाउंडेशन वगैरह भी अच्छी है, आंखें बंद करो, बंद करो आइज। मुझे तो भाई इसका कुलतरन का आज का मेकअप तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। हाँ एमन एमन वाला मेकअप किया है। आप बताओ भाई अब इसके क्या आपको कुरतुलैन में कोई फ्लॉ लग रहा है, कोई लग रहा है फ्लॉ? नहीं मैं देख चुका था और मैं गाइड कर चुका था कुछ जो मसला था ना, तो उस वजह से मेरे ख्याल में उसी वक्त ठीक कर दिया था। मोना जो है ना, मोना का एक चेहरा ऐसा है जो नो मेकअप लुक जिससे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसने इतना मतलब मोना के चेहरे को मैं इस तरह कहूंगी कि बहुत खूबसूरत है मोना, लेकिन एक मेकअप का चेहरा कभी जैसे कहा जाए ना नदा मॉडल, तो एमन का चेहरा भी ऐसे ही है छोटा, और इसी तरह मोना का चेहरा भी छोटा, लेकिन एमन के चेहरे पे ना मेकअप ज्यादा सूट नहीं करता, तो वो इसने मोना के चेहरे को बड़ा अच्छा संभाला कि आज ये प्यारी बहुत लग रही है, हालांकि मेकअप ज्यादा हुआ वो, ये एक बड़ा अच्छा आर्ट होता है मेकअप आर्टिस्ट का। अच्छा एक तो सबसे पहले अब ये क्या है, सारा सारा का मेकअप है, सवेरा ने किया है, दिखाओ खोलो। एक तो दुपट्टा सेट नहीं है, दुपट्टा क्यों नहीं सेट, सबके दुपट्टे सेट नहीं है, सवेरा तुम स्लो क्यों, तुम्हारा दुपट्टा सेट क्यों नहीं है? हाँ अच्छा क्या माइक पे बोलो, माइक इस तरफ है, कहाँ है? अच्छा इसमें नहीं था दुपट्टा, अल्लाह बेचारी। अच्छा अच्छा मेरे इसमें इस तस्वीर में लेकिन वैसे तो हेड पे लेगी ना, साइड से बात है ब्राइड है और तो इवेंट पे तो लिया होगा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये दे देगी क्योंकि नेदा फाउंडेशन बहुत ज्यादा मुझे डार्क लग रहा है, और आई मेकअप में अच्छी कोशिश है, और इसके अलावा जो है लिपस्टिक जरा आई मेकअप काजल का तेल यूज़ क्यों कर रहा है काशिफ के पास, जो है वाटर लाइनिंग ऊपर देखो
और सारा का जो है उससे नहीं नहीं सारा का मेकअप जो है वो थोड़ा डार्क है आईज के नीचे, मतलब बहुत स्मोकी है, मतलब पिक्चर में इतना स्मोकी लग रहा है, सामने देखने में और लग रहा होगा। तो इस सामने में सवेरा का बहुत लाइट है, अच्छा, मतलब ग्रेश टोन दे रहा है। ऐसे देखने में ना नेकेड आई से बड़ा स्टाइलिश, बड़ा क्लासी मेकअप लग रहा है, लेकिन अगर सारा जैसा नहीं लग रहा। हाँ सारा, हालांकि तो ये मॉडल की आईज भी बहुत प्यारी है, इस पे तो बहुत प्यारा खूबसूरत लग रही है, तो बहुत अच्छा एडवांटेज था। अच्छा ये झूमर नहीं है, ये इयररिंग है मेरे ख्याल में ना, तो ये इयररिंग ही बनाना था, बिकॉज इतने छोटे पतले झूमर से अच्छे नहीं लगते। उससे पूरा फॉलो किया है, उसने भी नहीं पहना क्या मुझे झूमर पहना हुआ है, सारा ने झूमर पहना है, बिंदे भी नहीं पहने ना उसने, जो वो नहीं तो उसको झूमर नहीं बनाती ना। ये तस्वीर है ना, मेरी जो टीम है ना उसने ये हिमाकत की तस्वीर, उसने जब थक गई थी ना सारा, नहीं निधा ऐसे झूमर नहीं अच्छे लगेंगे ना इतने पतले, सारा ने बड़ा झूमर पहना। एक्चुअली सारा ने दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ था, सब कुछ था जब, लेकिन वो गाने वाने गा रहे थे, वो थक गई थी, उसने अपने बुंदे भी उतार दिए थे और अपना लाइक मतलब ये लोग हो गई थी, तो हमने वो सिलेक्ट कर दी, इसकी गलती नहीं। लेकिन ये पूछ लिया करो ना तो बता देंगे इस पर, दुपट्टा वगैरह तो बनाना था। अच्छा ओके, अब ये जो है आमना का मेकअप, आमना का मेकअप मुझे तो बहुत ज्यादा स्मोकी लग रहा है, इतना मुझे सारा का नहीं, सारा खान हाँ इतना सारा का नहीं है, सेम सारा ने आंखों के नीचे ज्यादा था, सारा नीचे ज्यादा था, और इस मतलब लाइनर को ना स्मर्ज किया हुआ था सारा ने, इन्होंने पूरा स्मोकी कर दिया मेकअप को, है ना? देख रही हैं दोनों आईज में डिफरेंस है, काजल बाहर लगा हुआ है, आंख के बाहर है काजल। आपकी मॉडल की आमना आईज बहुत प्यारी है, और जो है बस जो है ना दोनों आईज पे काजल, ये तो देखो पता है आर्टिस्ट है ना हम, तो हमें देखनी पड़ेगी सारी चीजें। हाँ हमें एक पिक्चर से ही आइडिया हो जाता है, क्योंकि सारा मतलब ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो देखते ही हैं ना इनको। ओके काशिफ कौन जाएगा डेंजर, काशिफ की टीम बहुत वीक है आज, नतीजा ये खज हुआ, ऑडियंस और तमाम गवाहों और समर्थकों के नजर आने वाला वक्त बताएगा कि आज आज मैं डेंजर जोन में किसी को नहीं भेज रही, आज आप ये तय कर रहे हैं कि इन छह में से कौन जाएगा, कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो सब में वीक है, अच्छा हो गया। क्या वो काशिफ की टीम में से है, क्या वो अनम की टीम में से है, आज इन छह दुल्हनों में से सब थोड़ी इतनी इतनी पिद्दी सी कम जो दुल्हन लग रही है वो कंटेस्टेंट आज चली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स के हम मुंतजर, जज साहिबान जरा गौर से शो देखिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि जो जज साहिबान है सारे तैयार होके बैठ जाएं, कॉपी पेंसिल लेके बैठे और गौर से शो देखें, जरा आपके मतलब की बात भी हो जाए, आपको बताती चलूं ब्यूटी चार्म्स का जो मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनकी तरफ से 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज मिल रहा है जी, हमारी जो ग्रैंड फिनाले में विनर होंगी उनको, और सेकंड प्राइज 50,000 कैश प्राइज मिल रहा है ब्यूटी चार्म की तरफ से, जो मैं आपको जिक्र नहीं कर रही थी कि उनके 30 से 30+ प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, ये 24 कैरेट गोल्ड जो फेशियल किट है, ये वाइटनिंग फेशियल है और एंटी एजिंग भी है, मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्नी पोर स्किन जो है उसके लिए तो बेहतरीन है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप बगैर किसी रिस्क के यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, आपके चेहरे को गोल्ड जैसी ग्लो देता है ना। अच्छा अब स्किन परफेक्ट क्रीम कौन सी है, ओके स्किन परफेक्ट क्रीम जो है ये बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है, स्किन को क्लीन एंड क्लियर करके यंग बनाती है, एक्ने स्पॉट्स को भी ख़त्म करती है। अच्छा अब आपने जब फेशियल कर लिया ना तो ये मेंटेनेंस के लिए आपके लिए होगी स्किन परफेक्ट क्रीम, ठीक है। अब जो अगर मैं बात करूँ 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश, ये भी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब आपका जो एकदम फेस डल हो रहा होता है और आप फेस वॉश लगाते हैं, तो अगर वो 24 कैरेट गोल्ड फेशियल है सॉरी फेस वॉश है, तो वो आपके चेहरे पर एक ग्लो लेकर आएगा, जैसे कि आजकल गर्मी है ना, तपती हुई धूप से आप
जैसे घर आते हैं झुलसी हुई स्किन लेकर, तो आप अपना फटाफट ठंडे पानी से ये फेस वॉश लगाते हैं ना, तो ये आपके फेस को तरोताज़ा रखता है और एकदम फ्रेश लुक देता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेस मसाज ऑयल। ये जो है ना, ये बेस्ट सेलर है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होती है, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, इनसे आपको छुटकारा मिलता है और आपकी यूथफुल स्किन हो जाती है। आपकी बढ़ती हुई एज को रोक कर ये जवान रखता है और आपको तरोताज़ा रखता है, साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। अच्छा, आजकल नहीं आपने देखा हुआ, बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो फार्मूला क्रीम इस्तेमाल कर लेती है और उनकी वजह से उनकी स्किन जल जाती है, झुलस जाती है। ये ख़ास तौर पर ये ऑयल उस स्किन को रिपेयर करता है। ओपन पोर्स के लिए फ़ायदेमंद है और आप बच्चों पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के अक्सर खेल के आते हैं, क्रिकेट वगैरह, उनके ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अम्मा खुद ही मसाज कर दे उनकी। अच्छा, अब मैं आती हूँ वाइटनिंग सिरम की तरफ। ये वाइटनिंग सिरम जो है ना, ये आपकी स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स ग्लो इफेक्ट देंगे। ये वाइटनिंग सिरम भी आपके चेहरे पर ना सिर्फ आपको एक आपका जो ब्राइटनिंग है वो तो देगा देगा, लेकिन उसके साथ भी ग्लो देगा। एक्ने जो ओपन पोर्स हो जाते हैं एक्ने के बाद, उसको ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन को इवन टोन करता है, स्मूथनेस ले आता है आपके चेहरे पर। अब आ जाते हैं हम कैफीन सीरम जो है, ये ख़ास तौर पे डार्क सर्कल्स के लिए है, जो आपके चेहरे पर झाइयाँ और पिगमेंटेशन, जो धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने में काम करता है। जो इसके अंदर की जो कैफीन है, जो इंग्रेडिएंट, वो ये सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देता है। अच्छा, जो लोग अक्सर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि एकदम हल्के आपके पढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करें, तो उनके लिए कैफीन सीरम जो है वो बेस्ट है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आपके चेहरे को नेचुरल ग्लो देती हैं। ये पाकिस्तान के अलावा, ये सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अलावा दुबई, सऊदी अरब एंड बहरीन में भी अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से भी, जो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है आप उससे देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जजमेंट की तरफ, है ना। ओके, तो हम एक एक करके प्रॉपरली मैं आपको एक एक दुल्हन का चेहरा दिखाऊंगी, ठीक है। अब वो टास्क, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की का, किसी भी कंटेस्टेंट का वो थोड़ा सा मिलता जुलता टास्क है, अगर आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि काशिफ और अनम जो है वो बहुत हल्का हाथ रख रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, वो उनकी काइंडनेस जो है उसको मैं बदल नहीं सकती, क्या करूँ, है नहीं, वो अभी जज है ही नहीं ना, वो तो उनकी टीम है। एक बात ये है, जिसे मेकअप करते हैं इनके फीचर्स अलग हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी की आइज किस तरह की है, तो इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि चेंज कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। पार्टी है ये, नहीं, ये अनम की पार्टी है, ये काशिफ की पार्टी है। कल आप लोगों को जालिम बन जाना है, क्योंकि कल आप जज होंगे, कल आप लोग चूज करेंगे कि कौन ब्रांड पर। सिर्फ कुरतुलैन जो है ना, उसने टास्क को फॉलो किया है, बस एक दुल्हन ऐसी है जो एमन से मिल रही है, बाकी जरा इरम मेरी भी, हाँ, मतलब लाइक इसके बाद कुरतुलैन के बाद। अच्छा, आप जो है कुरतुलैन से पूछ सकती हैं कि वो जब कर रही थी उनको मैंने प्रॉपर गाइड किया, एक एक चीज का मैंने उनको बताया था, क्यों नहीं किया गाइड में, सबको कर रहा था, लेकिन जो है जिसने ओब्वियसली आमना ने इनके पास ही मैं खड़ा हुआ फाउंडेशन लगाने तक। अच्छा, मैंने सबको बोला है कि पूछ भी सकती हैं, अब वो ऑब्वियसली बार बार पूछ रही थी, इससे सब उनको ज्यादा बताया। हाँ। फिर आज जो है, फिर मैं मेकअप सिखाने के लिए चला गया, तो मेरे पास तो टाइम तो कम था ना आज। यस, सही है ना, पूरे सही है, बहाना सही है। चले मैं आपको सबके मेकअप दिखाती हूँ। कुरतुलैन ने जो मेकअप किया है वो आप देख सकते हैं। अब आप जो है ना, इनको जज करेंगे कि ब्राइड कौन सी ज्यादा प्यारी लग रही है, मेकअप किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही है, आप ये जज करेंगे। और थोड़ा सा जिसका कम आपको मेकअप अच्छा लग रहा होगा उसको आप एलिमिनेट करेंगे। ये जो क्लोज था, ये था कुरतुलैन की ब्राइड का, दिखा दिया आपने ऑन स्क्रीन, तो मना है, दोबारा नहीं दिखा सकते, गुनाह है, दोबारा दिखा दो भाई। अच्छा, अब ये जो आप मेकअप इस वक्त देख रहे हैं, ये सवेरा का मेकअप है, तो मेरी लड़की बड़ी प्यारी मिली है भाई, बच्चे मेरे छोटे हैं अभी, नहीं तो रिश्ता मांग लेती, प्यारी लग रही है। ओके, ये आप देख रहे हैं आमना का मेकअप, ये आमना का मेकअप है,
ठीक है ओके। अब आ जाती हूँ मैं अनन की टीम की तरफ। यहाँ ये मेकअप आप देख रहे हैं, ये है निदा का मेकअप, ओके। ये आप मेकअप आप देख रहे हैं जो, ये है अनम का मेकअप, और ये आप मेकअप देख रहे हैं, ये जो मेकअप है ये इरम का मेकअप है, ठीक है। ये छह की छह कंटेस्टेंट्स आप लोगों के सामने हैं, इसमें से कोई एक है जिसको आज आपने निकाल देना है, और बाकी जो पांच है वो जाएंगी ग्रैंड फिनाले में। चलिए जी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कौन है हमारा पहला कॉलर। अभी मैं ब्रेक पे पूछूंगी ना जरा चुपके चुपके अनम और काशिफ से, दोनों अलग अलग मुझे बताना तुम लोग अपनी चॉइसेस कान में कि तुम लोग अगर किसी को निकालोगे इन छह में से तो वो कौन हो, ठीक है ना। फिर हम ऑडियंस और तुम लोगों का मैच भी करेंगे इन दी एंड, देखते हैं ना क्या होता है। जी कौन है हमारे साथ? ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़ैनब बदुआ तो नहीं दे रही ना कोई? ज़ैनब जज साहिबा, हेलो जी। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम जी, मैं फर्स्ट डे से आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ माशाल्लाह से। बोले किसको एलिमिनेट करेंगी? मैं सरकाशी की बहुत बड़ी फैन हूँ, फैसलाबाद से जब ये आए थे मैंने इनकी क्लास की थी। फर्स्ट डे से माशाल्लाह से एनी बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत सुपर वर्क कर रही है एनी। अच्छा मैंने कहा है एनी कहाँ से आ गई? हो रहा है कि एनी आज मतलब के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में गई हुई है, और सबसे अच्छा मेकअप एनी का है। और जो आपके साइड पे निदा की साइड पे फर्स्ट पे खड़ी हुई है ना इरम, उनका मेकअप आज सही नहीं था। एक मिनट, इरम का ये सही लग रहा है कि सही नहीं लग रहा? ये सही नहीं लग रहा जी ये। अच्छा तो आप एलिमिनेट इरम को कर रही हैं? जी जी इनको एलिमिनेट कर रही। ठीक है ठीक है। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। बहुत आज कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। सहूलत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सहूलत नहीं धनक, धनक अल्लाह नाम। अच्छा जी जज साहिबा, सॉरी आपका नाम मैंने गलत ले दिया। आप मुझे बताइए आपको किसको एलिमिनेट करना है आज? ये जिसने थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बड़ी आईलैशेस नहीं लगाई हुई भरी, ये इनकी बात कर रही हैं आप? भरी भरी आईलैशेस की कर रही हैं या निदा की बात कर रही हैं ये? जी। अच्छा इनको एलिमिनेट करना है आपने? जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। सबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी निदा? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, बताइए सबा किसको एलिमिनेट करना है आपने? आप इस बार बार बताऊंगी, मैं पहले काशिफ सर से बात कर सकती हूँ? आप पहले बता दें फिर काशिफ से बात कीजिएगा जी। मैं इरम को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। आपने इरम का नाम लिया एलिमिनेशन के लिए, ठीक है जी। काशिफ से बात कर ले आप। क्या हाल है, कैसे आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। चाहिए होगा जी बोले जब वो रिक्वेस्ट आती है तो काशी वो मुझे अपना पैलेट दे दे वो फला, ये तो फिर मेरे जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिसेस महमूद। जी मिसेस महमूद जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। मुझे एलमेंट करना है उसको, वो जो इस तरफ है कि काशी सर की जो है ना उसमें से काशिफ सर की एक दफा दोबारा मुझे दिखा। अच्छा, दे मैं दिखा देती हूँ। ये वाली जो लड़की आप देख रही हैं ये आमना की ब्राइड है, थोड़ा सरफ हो जाइए प्लीज। बिल्कुल ओके ये। अच्छा ये दूसरी वाली जो लड़की आप देख रही हैं अभी मॉडल में जो दुल्हन दिखा रही हूँ ये सवेरा की ब्राइड है, ठीक है। और जो तीसरी वाली आप यहाँ देख रही हैं, एक मिनट तीसरी भी देख लें आप फिर तय कीजिएगा। ये जो है कुरुतलैन की ब्राइड है, ठीक है। आपने किसको चूज करना है बताइए? मैंने इससे पहले जो आपने कहा था, इससे पहले मैंने दिखाई थी आपको सवेरा की ब्राइड, सवेरा की दुल्हन को। हाँ तो आपने अनम की दुल्हन नहीं देखनी, आपने काशिफ वाली को एलिमिनेट करना है। हाँ जी हाँ ना निदा सही है। अच्छा दो बार से जब अनम की आ रही थी जब नहीं बोला आपने ऐसे नहीं, मैंने कहा आज उन्होंने खास कपड़े का देखे काशी वाली उनके पास। अच्छा मैं ना थोड़ा आगे खड़ी हुई थी तो काशिफ की ब्राइड ना छुप रही थी, मैंने कहा दिखा दूं लोगों को बाहर से। जी अस्सलाम वालेकुम साइमा, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी साइमा जी, किसको चूज करेंगे आप आज निकालने के लिए शो से? सवेरा को। सवेरा अच्छा चलो, हाँ सवेरा, ओके। नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। नादिया किसको एलिमिनेट करेंगे आप? जो फर्स्ट पे नहीं है, जो एनएम जो है एमन की साइड पे है। मेरी साइड पे एमन जी, जी एमन की साइड पे ये वाली लड़कियां, ये एमन की अच्छा। एमन का मेकअप जैसे ये वाला जी जी, जो सेकंड पे है ये वाला इकरा। नहीं नहीं सेकंड पे यहां पर, यहां पर साइड एमन के साथ जो सवेरा नहीं है। मेरा कह रही हूं। ये कौन एमन? मेरा एमन, मैं अनम, अनम को एमन बोल रही हूं। ये जी, ये ना जी जी जी, हां क्या सवेरा को बोल रहे हैं? हां सुनो, सवेरा की चक्कर बना दिया आपने मुझे, कभी वहां ले जा रही हूं कभी वहां, देखते क्यों नहीं हो बाहर से प्रोग्राम, ऐसे बोल देते हो बस देखकर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जज है? ज़ैनब अस्सलाम, लाइन कट गई। बतूल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी बतूल। मैम तस्वीर दिखा सकती हैं आप? किधर आ सकती हूँ? क्या कर तस्वीर क्या कर सकती हूँ? दिखा सकती हूँ, सबको दिखाना पड़ेगा। दिखा मैं अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा दिखा देती हूँ। क्या आपने शो नहीं देखा आज का क्या? हाँ देखिए भाई, ये कुरतुलैन की ब्राइड है, ये जल्दी देखते हैं हम, ठीक है? ये है सवेरा की ब्राइड, सही है? वो तीसरी वाला शॉट बनाए, वो आमना की ब्राइड है, ठीक है? जल्दी से यहाँ आइए, ये निदा की ब्राइड है, ठीक है? ये देखिए, ये अनम की ब्राइड है, और ये देखिए, ये इरम की ब्राइड है। थोड़े तुम आगे आओ, तुम्हारे पर लाइट नहीं पड़ रही। हाँ ये है इरम की ब्राइड, ठीक है? अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद प्लीज गौर से देखकर जवाब दीजिएगा। बार बार अगर आप कहेंगे तो फिर टाइम सारा दिखाने में गुजर जाएगा, मैं वोट्स कब लूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद अनम वर्सेस काशिफ, आज किसकी एलिमिनेट होगी देखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आज ब्राइडल कॉम्पिटिशन। आज छह कंटेस्टेंट्स में से कोई एक एलिमिनेट होगी और पांच कल तक पहुंचेगी ग्रैंड फिनाले में। हमारे साथ जो कॉलर हैं उनका नाम है साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ जो कॉलर उनका नाम है, अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम सलाम निदा जी, मैं साइमा बोल रही हूँ मेलसी से जी, बोले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज साइमा। अच्छा जी। हाँ जी मैं बताना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। हाँ जी मैं ब्राइडल के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुझे पसंद। आपने बताना है कि निकालना किसको है, पसंद नहीं पूछी गई, ठीक है? अच्छा, कोई एक ऐसा जो आपको कम पसंद है। मुझे इरम साजिद का मेकअप बहुत पसंद है, इरम साजिद। अच्छा इरम साजिद का जो पसंद है ना, जो अच्छा हाँ नहीं लग रहा। साजिद को मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब ठीक है जी। ठीक है अब आप मुझे बताएं निकालना किसको है, बहुत मतलब ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं निकालना किसको। अच्छा ठीक है, ये काशिफ भाई की टीम में जो है ना सवेरा, ठीक है जी, ये सवेरा सेंटर में जो है, इनका मेकअप आपको कम लग, ठीक है। कौन है हमारे साथ कॉलर? हिरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदापी, कैसी हैं आप? इससे पहले मैं हिरा से बात करूं, तुम्हारे शहर से इरम कॉल थी, तुम्हारी शहर वाली ने, हाँ ये इरम की स्टूडेंट थी जो अभी पिछली कॉलर थी, तभी वो हक अदा करके गई जी। कौन है मेरे साथ कॉलर दोबारा? हिरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदापी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कहिए। आज आप बहुत 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 प्यारी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया। जज साहब आप क्या किसको वोट देंगी कि आज निकालना है? वोट इरम को दूंगी, मैं इरम को निकालूंगी, उससे पहले मैं काशी सर से बात कर सकती हूँ जी? बिल्कुल कीजिए, जल्दी से कीजिए, टाइम शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम काशी सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। काशी सर मुझे आपका मेकअप बहुत बहुत पसंद है और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी जी बोले, बस आगे रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट अभी किसी को नहीं करने दूंगी मैं, है ना? वो SMS कर देना, मुझे अपना पैलेट दे दें, मुझे अपना आई शेडो दे दें, वो भाई इनके पेज पे करना SMS जी। कौन है मेरे साथ कॉलर?
अनम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी प्लीज आप एक दूसरे को मौका दें। अगर आप दूसरी और बातें करते हैं उसकी वजह से हम अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको एलिमिनेट करना है आज। महक अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। महक वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। महक जल्दी से अपना प्लीज हम मुझे फैसला बताइए किसको निकालेंगी आप? आप दिखा दे पहले। महक यार मैं कितना दिखाऊं इस तरह, अब कॉल काटे दूसरी कॉल दे प्लीज। मुझे जल्दी जल्दी एलिमिनेशन के लिए कोई एक बंदा का नाम लेके आप बताएं, आज आप लोग सही जजमेंट नहीं कर रहे। साइमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। साइमा बताइए आप किसको निकालेंगी? हाँ हेलो जी साइमा, किसको निकालेंगी आप? हम समझ हैं सिविल हॉस्पिटल को निकाल, पता नहीं क्या बोल रहे। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। हम ना बोलिए किसको निकालेंगी आप? मैं वो इरम को। इरम को निकालना आपने जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो शमीम अस्सलाम अलैकुम शमीम। हेलो हेलो जी शमीम, आप किसको एलिमिनेट करेंगी? शमीम थोड़ा इधर लिफ्ट करा दो यार। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है आज फोन कॉल्स? हेलो जी जी हेलो, सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा बताओ किसको एलिमिनेट करोगी? जी सवेरा को। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, किसको एलिमिनेट करेंगी इमना? काशिफ की टीम में जो है। काशिफ की टीम में तो तीन लोग हैं, किसको करेंगी उनमें से? मुझे आज नाराज कर रहे हैं आप लोग, टाइम शॉर्ट है। फरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? अनम काशिफ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अनम तो बहुत प्यारी लग रही है, इनकी टीम से तो मैं किसी को एलिमिनेट नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू। सवेरा को आपने चूज किया है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज काशिफ क्या हो रहा है यार। नजमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निजा आप? बिल्कुल ठीक जी। कहिए किसको एलिमिनेट करना है आपने? मुझे अनम की टीम से जो सेकंड वाली है, असल में आज आप ना नाम नहीं बता रही दुल्हनों के। अच्छा नहीं, आप कंफ्यूजन हो रही है। आपने नाम दुल्हनों के मैं कभी भी नहीं बताती, मैं कंटेस्टेंट्स के नाम बताती हूँ और मैंने बहुत दफा रिपीट किए हैं। आप कहती हैं तो मैं एक दफा फिर बता देती हूँ। देखिए ये देखिए चेहरा, ठीक है, ये कुरतुलैन की दुल्हन है, ठीक है। आज मुझसे एक गड़बड़ हो गई कि मैंने डेंजर जोन में नहीं भेजा, बस ये मेरे गले पड़ गई चीज। तो ये है सवेरा की दुल्हन, ठीक है, ये है आमना की दुल्हन, ओके, और ये है निदा की दुल्हन, ये है अनम की दुल्हन, ये है इरम की दुल्हन, ठीक है। लोगों को ये भी वैसे पता होना चाहिए कि इनका टास्क था तो उसी की ऑब्वियसली हम क्लोज चेक कर रहे हैं, जैसे सारा इमरान खान उस तरह तक इनको पता है ना। मैंने अभी कह दिया था ना कि अब वो टास्क तो हमने देखना था। हाँ। लोगों को याद नहीं रहेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था बस वो देखें जिसका सबसे कम ताकि लोग जो ना ओवरऑल भी जज कर रहे होते हैं ना, ताकि लोगों को पता हो। हां जी कौन है कॉलर? अनम की सेकंड वाली दुल्हन। नहीं अनम की सेकंड सवेरा नहीं, ये वाली दुल्हन है ना अनम की, ये वाली अनम की। हां ये वाली नहीं, बीच वाली, यही तो है बीच वाली मेरी जान। हाँ, ये वाली। अच्छा ठीक है, आपने अनम को चूज किया है, ठीक है, ओके। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मरियम जी। मरियम वालेकुम सलाम, मरियम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान, जल्दी से बताओ किसको एलिमिनेट करोगी? कुरतुलैन को मैं एलिमिनेट करती हूँ। किसको? कुरतुलैन। अच्छा वो बच्ची थी, मुझे लगता है उसके अब्बू ने कहा होगा पीछे से, वो ही कर उसको। नाज़िश अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। नाज़िश कहिए। मैं
अटक से बात की हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने। जी नाजिश, किसको एलिमिनेट करेंगी आप? मैं सवेरा को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी कौन है? अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अक्सा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी अक्सा, किसको एलिमिनेट करेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं निदा की दुल्हन, निदा को एलिमिनेट करूं। निदा ये है कैमरामैन जी, इनको पकड़ो, ये है निदा जी। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मरियम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी में इतनी फोनों पे कभी बात नहीं की है जितनी मुझे कंपटीशन में करनी पड़ती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको एलिमिनेट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जज साहिबा, किसको एलिमिनेट करेंगी? ओके जी, इरम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदाबाजी, आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। एलिमिनेट किसको करोगी बहन? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इरम को एलिमिनेट। ओके, मेरी टीम प्लीज बताएगी कि क्या फेसबुक और टेलीफोन कॉल्स के जरिए ज्यादा एलिमिनेशन किसकी आई है। ओके अच्छा चलें, अब मेरे पास तो आ गया नाम, ठीक है। काशिफ से मैं अलग पूछूंगी, अनम से अलग। अगर आपको इन छह में एलिमिनेट करना पड़ता तो आप किसको करेंगे काशिफ? अच्छा, ओवरऑल जो इन छह में, सबसे पहले मैं बता दूं सबको कि दो लोग थे जिनके मेकअप वीक थे, और उसमें जो है मेरे हिसाब से जो है सवेरा और आमना, इनके मेकअप, क्योंकि इनकी मॉडल्स जो है ना, हाँ। इनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, ठीक है, और बड़ा जो फोटोजेनिक सा फेस है इनका, तो ये वो चेहरे हैं जिन पर आप कोई से भी मेकअप करो तो बड़े अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, कि हम तो सामने से भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्क्रीन पर कुछ फॉल्ट जो है वो छुप भी जाते हैं ना, तो इन दो के आप मेकअप दोनों को करती हैं। और अनम, तुम किसको करती थी? मेरा फैसला भी यही, बिकॉज मैंने जब बताया था तो मुझे मेकअप दोनों के नहीं लगे थे सही। इन लोगों ने जो भी मेकअप किए हैं उस पर काफ़ी डिटेल भी है, लाइनर भी है इसके अलावा, लेकिन इनका मेकअप बहुत मतलब नॉर्मल था, कोई हैवी मेकअप नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट स्मर्ज मेकअप था। उसी को आप हेयर स्टाइल देखें सवेरा का, कितना मैसी हो रहा है ना, ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं। तो बिल्कुल जजेस जो आप हैं और हमारे टीम लीडर्स, इनका भी यही फैसला है। आज जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रही है हमारे शो से वो है सवेरा। सवेरा आई एम सो सॉरी, हमें एक बद्दुआ का कॉल आई थी और वो हमें पता चला कि हमारी किसी कंटेस्टेंट ने हमें बद्दुआ दे रही थी, तो यार सवेरा तुम नहीं देना हमें बद्दुआ तो देखो हम नहीं है, ये गेम है, ये गेम है, और जज हम नहीं है, नहीं है, पब्लिक जज करती है, पब्लिक वो करती है। लाइक हम लोग तो तुम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि तुम लोग 100 लोगों को, हम नहीं जज कर रहे थे, ऑडियंस जज कर रही थी। हाँ। और जिसने भी अगर इस तरह की बात की है तो हमारे एक्चुअली अब सारे फोन में CLI लगा हुआ है, तो आप जो भी कॉल करता है तो आपका नंबर आ जाता है। तो माशाल्लाह मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि इस तरह ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सब एजुकेटेड घरानों से, सब अच्छी फैमिली से खवातीन आती हैं। आप कभी ऐसे जाते हैं ना, इतना करते आपके पास जाता है, आपके पास फकीर होता है, भीख मांगने आता है, और कभी आप नहीं देते तो वो आपको ऐसे बददुआएं देके जाता है, अल्लाह करे मतलब लाइक आप लें तो मतलब मुझे ये नहीं होता चलो काशिफ की टीम है, मैं भी ख्याल कर रही होती हूँ, या मेरी टीम है तो काशिफ भी ख्याल कर। इतना प्यार, इतना ख्याल करने के बावजूद ऐसा सिला मिले तो बहुत दिल खराब होता है। पहले भी ऐसा एक हो चुका है, उन्होंने ऑन एयर जो है कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लाइक दिहाइयाँ बदुआएं होती हैं हाथ इस तरह देके गई थी। यार वेरी रॉन्ग, हम लोग फैमिली वाले लोग हैं। आप ड्रेसेस के लिए जब ख्वार हो, जब ज्वेलरी के लिए ख्वार हो, तो तब आपको शायद पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम होता है ये सब। आप लोगों को हलवा मिल रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप लोगों को, आप लोगों को कदर ही नहीं है। और साथ साथ देखिए हमारी तरफ से गाइडेंस भी, वो एलिमिनेट भी हो गई हैं तो यकीनन उनके काम में बहुत इंप्रूव आएगा। उन्हें एक चैनल में देख के, स्क्रीन पे देख के बहुत से क्लाइंट उनके पास जाएंगे, तो इस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि इन सब में से विनर एक है। बिल्कुल, तो ये कोई तरीका नहीं है, वही वाली बात है, इन द एंड तो कोई एक ही विनर होगी। बिल्कुल, तो आई एम सो सॉरी सवेरा, लेकिन फिर भी 4 दिन तक आप टिकी रही, 4 दिन तक आपने काम दिखाया, मैसी हुआ है, अदरवाइज सबसे परफेक्ट हेयर स्टाइलिंग सवेरा की ही थी डे वन से जो है। हां
तो जी ये था आज का हमारा शो. कल ग्रैंड फिनाले है. जीतने वाला 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज लेकर जाएगा, लेकिन रनर अप को भी 50,000 कैश प्राइज मिलेगा, और पांचों में से कोई एक होगा जो विनर होगा. तो कल का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर देखना है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आप.